आज गिरफ्तारी देने के लिए पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार एसपी ऑफिस पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें अरेस्ट नहीं किया। एसपी ऑफिस से निकलते वक्त गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि बीजेपी मुझ पर बेवजह आरोप लगा रही है, तीन तीन मंत्रियों ने मुझ पर षड्यंत्र करने का आरोप लगाया, लिहाजा मैं खुद गिरफ्तारी देने पहुंच गया। आपको बता दें, गुरु रुद्र कुमार और कांग्रेस के नेताओं पर बीजेपी ने बलौदाबाजार हिंसा में हाथ होने के साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। समाज के गुरु के ऊपर तीन तीन मंत्रियों ने यहाँ राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए इल्जाम लगाया, समाज आहत है, हम भी आहत हुए, इसी तरह हम लोगों के ऊपर मनाने के हमें केस की हम बात करें। और ये जो आपका जो क्वेश्चन है, यह पार्टी की बात है, इसके बारे में पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं। और इसी बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी को चुनौती दी है। उन्होंने बीजेपी पर अनर्गल आरोप लगाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्या कभी भी लोगों को भड़काने का काम उन्होंने नहीं किया, बीजेपी को ऐसा लगता है तो एक तस्वीर लाकर दे दें। विधायक देवेंद्र यादव ने स्वीकार किया कि वो समाज के धरने में शामिल जरूर हुए, लेकिन मंच पर नहीं चढ़े। बहुत दुखद है कि राज्य शासन जो घटना हुई जिससे सतनामी समाज के लोगों के मन में आहत पहुंची, और 15 मई से लेकर आज देखें तो जून मिडिल आ गया, इतने दिनों में वो समाज की भावना को समझने में कामयाब रही। इधर बलौदाबाजार हिंसा को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। टंकराम वर्मा ने कहा कि पूरा षड्यंत्र ही कांग्रेस का था, उनके विधायक और पूर्व मंत्री समेत कांग्रेस संगठन के लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने ये भी कहा कि मामले की जांच चल रही है, गुनहगार जरूर जेल जाएंगे। बलौदाबाजार घटना को लेकर राजनीतिक लगातार तेज होते जा रही है, और आज जो घटना हुई उसमें गुरु रुद्र थाने पहुंच गए थे गिरफ्तारी देने एसपी कार्यालय में। हम सीधे चर्चा करेंगे, टंकराम वर्म बलौदाबाजार के विधायक हैं और मंत्री हैं। आप लोगों ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया, विधायक पर आरोप लगाया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर कांग्रेस कह रही है कि ये सियासत कर रही है बीजेपी, जानबूझ के कांग्रेस का नाम घसीट रही है। देखिए, जानबूझ करके नाम नहीं घसीट रहे हैं, वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए हैं। कल के हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारे माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी ने फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए हैं कि वहाँ मंच में कौन कौन लोग थे, और मंच में रहने वाले में पूर्व मंत्री रुद्र गुरु भी थे, कविता प्राण लहरे जी भी थे, शैलेंद्र बंजारे थे। ऐसा किसी का एक एक नाम नहीं लिया। जब अपने पास कुछ रहता है तभी बोल रहे हैं, उनकी कॉपी भी है। और निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी जो वहाँ पे घटना घटी है या समाज के ऊपर जो कुछ भी हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका है, आप कह रहे हैं लगातार आरोप लगा रहे हैं, तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? देखिए, गिरफ्तारी की एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया का पालन करते हुए, चिन्हांकित करते हुए प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, और जो जो उपद्रवी हैं, जो दोषी लोग हैं, उनको गिरफ्तार करेंगे। जी, आपने जैसा खुद ही कहा कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई और प्रदर्शन के दौरान वो आगजनी की कलेक्टरेट कार्यालय जला दिया गया, इंटेलिजेंस कहाँ फेल नजर आई, प्रशासन कहाँ थी इस दौरान लगातार जब इस तरीके से उग्र प्रदर्शन चलता रहा? देखिए, ये तो अभी यही जांच का विषय है कि इतनी भीड़ कहाँ से आई, क्यों ऐसा घटना घटा, इन पर अभी जांच चल रही है। उसके बाद प्लानिंग की जानकारी कैसे लगनी पाई सरकार को? अब अभी जब जांच हो रही तो उसमें सबने सब बात आएगा कि कहाँ पे चूक हुई है, किससे चूक हुई है, ये सब अभी जांच में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे मंत्री टंकराम वर्मा, जिन्होंने कहा कि प्रशासनिक जांच चल रही है, सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर डेप्यूटी सीएम और प्रदेश के गृहमंत्री विजय शर्मा ने बलौदाबाजार की घटना के पीछे बाहरी लोगों का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि सामाजिक नहीं, ये असामाजिक लोगों का काम है। ये नहीं लगता कि इस घटना के पीछे छत्तीसगढ़ के लोग हैं, इसमें बाहरी लोगों का हाथ है। योजनाबद्ध तरीके से हाथ में पेट्रोल, बोतल, डंडे, लाठी के साथ लोग आए, बिल्डिंग जला दी गई, किसी को क्या मिला? जो भी लोग हिंसा में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदेह पहली बार हुई है, इसमें कोई बात नहीं है, जांच हो जाने दीजिए, क्या क्या सामने आता है, कौन कौन लोग हैं उसमें, समझ में आएगी बात।
घटना को लेकर कांग्रेसियों की तस्वीरें सामने आई है, घटना को लेकर दो घंटे जिसने भी प्रत्यक्ष किया होगा सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस की कार्रवाई भी क्यों नहीं होगी, ये कानून का मसला है, क्यों नहीं होगा, कोई ऐसे थोड़े कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता। और जांच होगी, सभी चीज की साथ होगी, जांच होगी। सामाजिक नहीं है, पूर्णतः असामाजिक लोगों का काम है। समाज के लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के न्यायिक जांच की घोषणा के बाद संतुष्टि जाहिर की थी। इधर बलौदाबाजार के नए कलेक्टर दीपक सोनी और एसपी विजय अग्रवाल कार्यभार संभालने के लिए बलौदाबाजार पहुंचे। उन्होंने हिंसा में हुई तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी जो हुई थी उसमें तोड़फोड़ का जायजा लिया है, अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। और बलौदाबाजार में हुए सतामी समाज के प्रदर्शन के दौरान एडिशनल एसपी अविनाश ठाकुर का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एडिशनल एसपी अविनाश प्रदर्शन में आए लोगों को समझाने की कोशिश करते नजर आते हैं। एएसपी भीड़ को हटाने की समझाने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वीडियो सामने आने के बाद अविनाश ठाकुर की जांबाजी के लिए सब उनकी तारीफ भी कर रहे हैं।